दिस इज कैलाश जोशी, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के जो ट्यूटोरियल है हमने ये नई लैंग्वेज पे बनाया है क्योंकि बच्चों ने बहुत डिमांड करी है कि आप जावा के ट्यूटोरियल बनाइए, जावा में बेसिक्स आप हमें सिखाइए। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग अब जो आगे के ट्यूटोरियल भी हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे हम ट्यूटोरियल, वो जावा का बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पुरानी सारी लैंग्वेजेस आने चाहिए, इसके लिए कोई नहीं। आपको अगर बेसिक कुछ भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग का, तो हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे, कैसे हमने कोई प्रोग्राम डिजाइन करना है, कैसे इसमें हम ये भी देखेंगे पहले सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें पाथ सेट करना है जावा का, कैसे हमने प्रोग्राम को रन कराना है, प्रोसेस पूरा हम लोग शुरू से बेसिक से आपको पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे हम उसके प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे जावा में, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे आगे के ट्यूटोरियल में। बेसिक जो हम लोग पहला जो ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, इसमें हम जावा के बारे में देखेंगे कि जावा एक्चुअल में होता क्या है, किसने डेवलप किया था, कब ये डिजाइन हुआ, अभी इसका कौन सा वर्जन चल रहा है हमारा, तो वो आज के हम ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे या किसी भी टर्म पे कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस ट्यूटोरियल की अगर हम बात करते हैं तो ये हम बेसिक से देखेंगे, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें हम थोड़े थोड़े कंटेंट देंगे, इसके अलावा आपको पूरा जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लिंक देंगे जिससे आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोट्स को। वो हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी देंगे आपको, प्रॉपर इंग्लिश में भी देंगे, तो वो हम देखते हैं। फिलहाल अभी हम इसको थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं, क्या होता है जावा, किसने डेवलप की थी। तो सबसे पहले अगर हम जावा की बात करते हैं, तो अब हम अगर इसके प्रॉपर जावा के बारे में बात करते हैं, तो जावा सिंपल एक लैंग्वेज है। आपको कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कि जावा बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसमें कैसे हम लोग इसे सीखेंगे। तो जो हम ट्यूटोरियल बनाएंगे इसमें आपको बेसिक से सिखाएंगे कि जावा में स्टार्ट आपको कहां से करना है, क्या आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या पाथ आपको कैसे सेट करना है, कैसे आप प्रोग्राम रन कराएंगे, डिफरेंट तरीके से रन करना भी हम आपको सिखाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको रन करना है तो वो भी हम दिखाएंगे, किसी आपको अगर आईडी पे इसको रन कराना है जैसे आपको इक्लिप्स या इन पे रन कराना है तो वो भी हम सब लोग सब इस पे सिखाएंगे। तो अगर हम बेसिक जावा की बात करते हैं तो जावा की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, जावा इज अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेनली ये जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जनरल पर्पस के लिए हम ये जो डिजाइन किया है वो जनरल पर्पस, जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर आपको कुछ रन कराना है, कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, तो जावा जो प्रोग्रामिंग है उससे आप डायरेक्टली कोई ऐप बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप उसको यूज कर सकते हैं, आपके होम एप्लीकेशन में कोई डिवाइस यूज हो रहा है तो उस पे भी आप जावा के प्रोग्राम जो है रन करा सकते हैं। तो सिंपल है, जावा इज अ जनरल पर्पस, जनरल मतलब जो बेसिक हमारे पर्पस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी वर्क परफॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है एक बेस बनाते हैं हम, जिसके थ्रू हम सबको क्या कराते हैं, कॉल कराते हैं। या मान लो अगर मैं बात करूं, अभी हमने क्या किया है, एक बेस बनाया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो मैं एक बेस हूं, मेरा जो है आपको आउटपुट मिल रहा है बहुत ज्यादा लोगों को, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया जो आपको एक्शन परफॉर्म करके दिखा रहा हूं। तो यही चीज जावा का भी है कि जावा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से ही क्या कराते हैं, सबको कॉल कराते हैं। जैसे आप अगर ऑब्जेक्ट की बात भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट, जैसे आप अगर एक क्लास की बात करते हैं तो क्लास में हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपना अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है अलग अलग, जब सब मिल रहे हैं तब हमारा एक क्लास कंप्लीट हो रही है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलेगा आपका, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आएगा आपका, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होना है लैंग्वेज में। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जावा जो है जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे जो डेवलप किया था बाय सन माइक्रोसिस्टम ऑफ यूएसए 1991। जो जावा डेवलप हुई थी वो हुई थी हमारे यूएसए में, और इसे डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम ने, सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया था यूएसए में 1991 में। और ये जो एक्चुअल में डेवलप की थी, ये तो सन माइक्रोसिस्टम तो आपका एक कंपनी का नाम है, जो एक्चुअल में उसके अंदर जो वर्क परफॉर्म किया था, जिसने प्रॉपर उसको डिजाइन किया था, वो था हमारे जेम्स गोसलिंग, या जेम्स गोसलिंग में हम बोल सकते हैं, या जेम्स गोसलिंग की जो टीम थी, टीम मेंबर थे, उन्होंने इसे क्या किया था, डिजाइन किया था।
शुरू में जब हमारी जावा डिजाइन हुई तो 1991 में इसका इनिशियली नाम जो था वो था ओक। 1991 में जो नाम था जावा का, इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो नेम था वो था हमारा ओक, जब स्टार्टिंग में जावा डेवलप हुई थी। 1993 में जब WWW डिजाइन हुआ था यानी वर्ल्ड वाइड वेब आया था, तो जेम गोसली की टीम ने एक नया फीचर जावा के अंदर डेवलप किया ताकि वो इंटरनेट की फैसिलिटी को भी क्या करे, एक्सेस कर सके। तो उस समय नया एक फीचर डिजाइन किया जिसको हम बोलते हैं एपलेट। तो ये तो बाद की बात है, हम इससे डिजाइन करना भी सीखेंगे, इंटरनेट के प्रोग्राम जो हैं, जैसे आपको HTML के प्रोग्राम एक्सेस करने हैं या कोई फाइल बनानी है या फॉर्म फ्रेम डिजाइन करना है, तो वो सब भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो ये नया फीचर दिया था 1993 में, अभी ओक ही इसका नाम था। 1995 में कुछ लीगल पर्पज के लिए इसका नाम जो रख दिया वो रख दिया जावा। तो एक्चुअल में जो नेम आया जावा वो आया था हमारा 1995 में। 1995 में इसका नाम रख दिया जावा। उसके बाद इन 1996 में जावा का जो फर्स्ट वर्जन था वो आया था JDK 1.0। JDK की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर जावा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो स्टोर थी, कैसे इसके सॉफ्ट आपको फंक्शन यूज करने हैं, क्लासेस यूज करनी है, एपलेट यूज करना है, वो सब के डिफाइन जो करके एक बंडल हमारा बनाया था JDK, इसी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं और रन कराते हैं। जो ऐसी के बाद ये चलता रहा, ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए। जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है 15 सितंबर को, 2020 में जावा का जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो JDK 15, ये नया वर्जन हमारा अभी लॉन्च हुआ है। तो हम लोग जो डिजाइन करेंगे या हम जो जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे हम इंस्टॉल भी JDK 15 को ही करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे ही हम काम करेंगे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, किसने से डिजाइन किया, कैसे हम लोग इसको, कब ये फर्स्ट वर्जन आया इसका, अभी जो लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है वो JDK 15 जो है वो चल रहा है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा बीच में इसमें SDK फॉर्म भी आई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी आया हमारा, जिसको हमने डिजाइन बीच में 1997 98 में जो है SDK आया था। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे जावा के वर्जन थे जिनको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज किया। अभी जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है वो JDK 15 चल रहा है, तो इसी पे हम वर्क करेंगे। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, आगे के ट्यूटोरियल में। और प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें प्रोग्राम बनाना सीखेंगे बेसिक से, कि कैसे हमने स्टार्टिंग करनी है, पहला प्रोग्राम कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या आपको वर्क परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शन सारे हम लोग इसमें देंगे कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कहाँ आपको जाना है, कहाँ प्रोग्राम सेव करना है, क्योंकि इसमें मेन रोल होता है आपका प्रोग्राम सेव करने का, भी बहुत मेन रोल होता है। अगर आपने कोई क्लास बना ली तो उसी नाम से हमें प्रोग्राम सेव भी करने होते हैं, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो ये था आपका बेसिक ओवरव्यू जावा का। थैंक यू फ्रेंड।